हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपने एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 20 जुलाई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। और इस एग्जाम में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से मैथ के क्वेश्चन बनाए गए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है एक पेयर ऑफ हेडफोन जो कि इतना है 5520, 20% का फायदा ले रहा है, ठीक है, सेल करने के बाद। तो बोला कि व्हाट वुड हैव बीन गेन और लॉस परसेंट, कितना गेन और लॉस परसेंट होगा जब ये इसे इतने में बेचेगा, ठीक है। तो 20% को आप रेशियो बना लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर सीपी की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 की जो वैल्यू वो 5520 है, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 6 9 54 और 6 2 और 0, तो 920 से मल्टीप्लाई किया होगा इसमें, राइट। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालिए, पहले सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 920 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका, 4600 आ जाएगा, 4600 आ गया। अब बोला कि 4600 की चीज आज जो आपने 4600 रुपये में खरीदी, तो यहाँ पर सीपी कितना आया, 4600 आया। नया इस पे कितना दे रखा, इतना दे रखा है 4370। तो देखो कम है ना, मतलब 4600 में आपने खरीदा, 4300 में आपने बेचा, तो लॉस होगा, तो गेन तो होगा नहीं, किसी भी हालत में गेन नहीं होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कितना लॉस कितना गेन होगा। अगर आप 10% चेक करोगे तो 4600 का 10% कितना होता है, आपको पता होगा 460 होता है क्या, 460 इनका डिफरेंस चेक करिए कितना है, 0 और 3 और आपका 5 2, 230 आया, जो कि 5% बनेगा, ठीक है। तो 10% तो होगा नहीं, राइट, 5% आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि किसी साल में पॉपुलेशन 18,000 है, अगले साल पॉपुलेशन जो 3 इंक्रीज हो जाती, मेल की 5%, फीमेल की 7%, और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है इतनी, तो रेशियो बताना मेल्स और फीमेल्स का गिवन ईयर दिए हुए साल में, ठीक है। एलिगेशन यूज कर लेते अपना, तो मेल यहाँ पर लिख लेता हूँ, फीमेल यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेल की इंक्रीजिंग कितने है, 5%, और ये आपका 7%, ठीक है, राइट। अब टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, पहले 18,000 था, अब कितना हो गया, 19,200 हो गया, तो कितना इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर हम चेक करेंगे, परसेंटेज रख देंगे, तो 18,000 से डिवाइड कर लो, इनटू में 100 करो, परसेंटेज आ जाएगा 00 से 00, 10 से 10, 18 ये कितना हो जाएगा, 2 6 से 2 6 से 3, 20/3% आएगा, ठीक है, 20/3%। तो आप इनको फिर रेशियो इक्वल बनाओ, हम क्या करेंगे, अब रेशियो इक्वल करेंगे, रेशियो इक्वल करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में कितना आया, 20 आया, अगर 20/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 20 20 बीच में रख दिया। तो रेशियो पूछा है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना होगा, मेल का फीमेल का कितना होगा देखो, और मेल का कितना होगा, तो 15 में 15 और 20 का डिफरेंस 5 होता है, 21 और 20 का डिफरेंस 1 होता है, तो 1:5 आपका क्या देगा, करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला कि एक इनलेट पाइप है जो फिल करती है खाली टैंक को 120 घंटे में, जबकि आउटलेट पाइप है जो कंप्लीट करती है 54 घंटे में, निकाल देती है, ठीक है। तो ये 8 इनलेट पाइप लगा दिए, 3 आउटलेट पाइप निकाल दी, मतलब क्या हुआ कि 8 तो जो पानी टंकी में भरेगी वो लगा दी, और 3 बाहर की तरफ लगा दिए, और टैंक वहन द टैंक इज एम्प्टी, अगर ये मतलब लगाने के बाद जो है वो टैंक अपना खाली है, तो कितनी देर में ये सभी मिल के टैंक को फिल कर देगी हमें बताना है, ठीक है। तो यहां से ए पहले एक एक के निकाल लेते, तो ए कितना लेगा, इनलेट पाइप निकालो, इनलेट पाइप कितने घंटे में भरेगा, 120 घंटे में, आउटलेट पाइप कितना, 54 घंटे में खाली कर देगा, इनका एलसीएम देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम कितना आएगा भाई, 1080 आएगा ना। हाँ तो 12 निम, ओके, और 54 से कितना चला जाएगा, ये 54 से आपका 54 दो 108 होता है, तो 20 पे चला देगा, राइट। इनलेट तो क्या करेगा, भरेगा, इनलेट तो क्या करेगा, भरेगा, तो माइनस प्लस लगा देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, क्योंकि निकालेगा। 8 इनलेट पाइप है, 8 इनलेट पाइप है, तो 8 इनलेट पाइप है, तो 8 गुना 9 करिए, माइनस माइनस किसका, ये आउटलेट के लिए, 3 गुना 20 करिए, कितना हो जाएगा, 72 72 माइनस 60, 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा भाई, 12 यूनिट हो जाएगा। 12 यूनिट फील कर रहा है, फील करेगा 1 घंटे, मतलब भरेगा, क्योंकि 72 जो है वो पड़ा है। अब बोला कि 1080 कितनी देर में फील कर देगा, 1080 कितनी देर में फील करेगा, बटे 12 कर दीजिए, 12 से 12 नीम 90, 90 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि साइन एक्स की वैल्यू ये है, साइन एक्स की वैल्यू अगर ये है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, तो 10 बेस आप निकाल लीजिए, बेस कितना आएगा यहाँ से, तो बेस आपका आएगा 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 100 माइनस 9 करोगे तो 91 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 10 क्या होता है, 10 आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट क्या होता है, कोट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। एलसीएम सोल्व करो, बाकी एलसीएम ले ले भी लो तो बाकी देखते हैं, तो पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर अपॉन में पी इंटू बी होगा, तो पी कितना आपका, 3 3 का स्क्वेयर प्लस √91 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 3√91 हो जाएगा, ऊपर 9 प्लस 91 अपॉन 3√91, 100 अपॉन 3√91 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमपी जो है फ्रॉक की इतना है और बेचा इतने में है, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए गए, फर्स्ट तो ये है, सेकंड हमें बताना है, चलो ठीक है भाई। तो 20% की हेल्प से लेते हैं, तो 20% के फ्रैक्शन निकाल लो, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी की वैल्यू कितना, 5, एसपी के एक कम कर दीजिए, 5 में से 1 कम कर दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। और एक नया डिस्काउंट लगाया गया, एक्स से वाई बनाया गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल इनकी मल्टीप्लाई जो होगी वो आप, ये तो 4500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आएगी वो आप चेक करोगे, 00000, क्योंकि ये भी तो रेशियो में है, और 3 से कट करो, 3 15, 3 से 8 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई तो 5 से आपका 3 गया, 4 से आपका ये 2 हो गया, कितना हो गया, 3:2 हो गया, 3 आपका क्या है, यहाँ पर एमपी है और यहाँ पर क्या होगा, एसपी है। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट 1 का है, कितने पर, 3 पर, तो मल्टीप्लाई शो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33 से 1/3% आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। बोला कि 11 से डिविजिबल बताना, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम और दूसरे अल्टरनेट डिजिट का सम करो, तो डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए, 9 और 1 10 और 4 14, 7 7 14, तो यहाँ पर 0 डिफरेंस आ रहा, हो गया 5 और 9 14 और 3 17, 6 और 2 8, 17 माइनस 8 गया तो 9 आएगा, ये नहीं जा रहा, 6 और 3 9, 9 और 2 सॉरी, 6 और 9 15, 15 15 और 2 17, और ये आपका 9 15 में से 9 गया 6, ये भी नहीं जा रहा, बाकी इसको अपने आप प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि दो ट्रेन की लंबाई है 130 मीटर और 120 मीटर, जो पैरेलल लाइंस चल रही है, जो पैरेलल लाइंस पर चल रही है, डायरेक्शन है 40 और 50 की, हाउ मच विल दे पास इच अदर, जो एक दूसरे को पास करेंगे। अब ये ध्यान रखो, सेम डायरेक्शन में जो एक साथ डायरेक्शन जा रही है, तो क्या करेंगे, स्पीड का हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहां से स्पीड का डिफरेंस लो, 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो टोटल लेंथ प्लस करिए, ठीक है, टोटल लेंथ प्लस डिवाइड बाय स्पीड 10 आ गया। टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 250/10 हो जाएगा। और इसके साथ क्या करेंगे, 5 × 18 की मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है, और हमें चेंज करना है किसको, इसको m/s में, ठीक है। तो सोल्व करिए, तो 5 × 7 = 50 चला गया, 10 × 7 = 5 चला गया, तो 18 × 5 कितना हो गया, 90 सेकेंड आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ना। बोला कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इतना है, तो a+b का होल स्क्वायर दे रखा है, 784 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इतना है, a × b कितना है, 192 दे रखा है। तो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू गिवन नंबर, इनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस हमें बताना है क्या होगा। चलो देख लो, यहां से a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a+b 784 किसका होता है, आपको पता होगा 28 का होता है। ऐसी दो वैल्यू चाहिए जो आपको प्लस करने पर 28 दे और मल्टीप्लाई करने पर 192 दे। तो देख लीजिए किस किसका होगा, आप देखोगे तो 16 और 12, ठीक है भाई, 16 और 12 का मल्टीपल जो होगा वो 192 देगा, और 16 12 का प्लस करोगे तो 28 देगा। तो हमें क्या निकालना है, 16 का स्क्वायर − 12 का स्क्वायर करना है, तो 256 − 144 करोगे तो कितना आ जाएगा, 112 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि sec स्क्वायर दैट एंड cos स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, cos स्क्वायर 35 हो जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा, तो नीचे तो 2 आ गया, ठीक है। और sec स्क्वायर की जगह अगर मैं cosec स्क्वायर देखूं, cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर की आइडेंटिटी होगी 1 हो जाएगी, नीचे 2 है, तो 0.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि sec 90 − थीटा कितना हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूले से हमने चेंज किया है साइन को कोस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम ऑफ डिविजन ऑफ 484 परफेक्ट स्क्वायर, 484 के जो डिविजर है ना उनका सम का परफेक्ट स्क्वायर हमें बताना है, दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 22 के स्क्वायर का हमने क्या करना है, फैक्टर बनाओ, 2 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर, 2 जिसकी पावर इवन हो और उनका सम कर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 11 की पावर 0 + 11 की पावर 2 से कर देंगे, तो ये 1 + 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इंटू में 1 + 1 = 21 आ जाएगा। तो 5 × क्या करना है आपने, 122 करना है, तो यहां से आपका 610 आंसर बिल्कुल करेक्ट लाके दे देगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। बोला कि फाइंड द अप्रोक्स परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 2017 टू 2020, ये आपका क्या है, 84/20 पर, ये 49.7। अगर अप्रोक्स ही मानना तो 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 से 84 का कितना इंक्रीज हुआ, 34 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। कितने पे, 50 पे × 100 कर लीजिए, तो 50 आप कर दो, तो ये आपका 68% क्या हुआ, मेरे ख्याल से राइट आंसर जाना चाहिए, 68% के करीब आएगा, क्योंकि वैल्यू कुछ चेंजेस होते हैं, तो 68% आपको राइट आंसर दे देगा, 69 जो कि नजदीक है 69, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि C1 C2 R2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जो ए के सेंटर पर हो दोनों सर्कल, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, ये वाला। सच दैट रेडियस ऑफ C2 इज लेस देन रेडियस ऑफ C1, C2 अंदर वाला है, C1 बाहर वाला है, ठीक है। AB इज कॉर्ड ऑफ C1 ऑफ लेंथ, C1 की कॉर्ड,
C1 की कोड ये लो, ठीक है, जो टच कर रही है C2 को P पर, और जो लेंथ 12 है, ठीक है, ये आपके पास भी आ गया। तो बोला कि AP वैल्यू निकालो, ये आपकी A और B है, AP की वैल्यू निकालो, अगर ये पूरी 12 है तो यह क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। थोड़ी बेस्ट बेसिक सी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था आपका। बोला कि फाइंड द सेक्टर OAB इन टर्म ऑफ रेडियस, रेडियस की टर्म निकालनी है, और बोला कि लेंथ ऑफ आर्क AB कितना है, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, आर्क की लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 3 रेडियस है, सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया जो आप निकालोगे, सेक्टर का एरिया मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 L × R होता है, तो 1/2 L कितना है, 3 R हो जाएगा, इंटू में R, तो यहां से आप 3/2 R स्क्वायर कर सकते हो, या फिर 1.5 R स्क्वायर आपका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड 27 है, 4 न्यू फ्रेंड आए हैं, 4 न्यू फ्रेंड आए हैं जिसका एवरेज एज 25 ईयर है, ज्वाइन किया उन्होंने, एवरेज एज जो इंटायर ग्रुप है वो 26 हो गया, तो हाउ मेनी पीपल ग्रुप इन इनिशियल, मान लो एक्स पहले एक्स थी वो 27 बना दिया एवरेज, ठीक है। अब बोला कि 4 और 8 हो गए हैं, और कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है, कितने का गैप हुआ, 1 का गैप हुआ, और इधर कितने का गैप हुआ, 4 का गैप हुआ, ठीक है, इतना आपने किया। अब हम क्या करेंगे, एक्स की 1 से मल्टीप्लाई और 4 की 26 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक्स इंटू 1 वो एक्स हो गया, और क्या करोगे, और 4 × 26 करोगे। अब ये देखो, अब हमें क्या करना, 4 जो आए वो 25 के लेके आए हैं, 4 जो आए वो 25 लेके आए, तो सम करिए, 4 × 25 का 100 आ जाएगा, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमें 100 लेके आना, तो माइनस एक्स कर दीजिए, सॉल्व करो, 104 आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, यहां से एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, आपको 4 ही पूछा कि इनिशियल कितने थे, इनिशियल अपने एक्स थे, ठीक है। सिंपलीफाई करना है इसको हमें, 1 + m, ठीक है, देखते हैं, तो यहां से देखोगे आप, 1 + m, 1 - m, नीचे 1 + m का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो इससे इसे एक पावर कट गई, तो आपके पास सीधा साधा आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cosx 2901, ये क्या है, आपके क्वाड्रेंट के ऊपर बेस है यहाँ पर, ठीक है, तो 2901 कहाँ आएगा ये हमें पता करना है, तो 2 इसको हम क्या करेंगे, 360 के लगभग पहुंचा देंगे, 360 5 × 1800 होता है, 360 8 × 3 = 24, 8 × 0 = 48, और 8 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 21, सॉरी 8 × 3 = 24, और 24 × 4 = 28, 2 8 8 0 0 11 में से 3 गए 3, यस 30 आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर मैं cosec 30 लिख दूंगा, प्लस sec 4 2 0 6 0, एंड इसको बनाओ तो ये आपका 10 पे तो चला गया, 3600 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 और 12 में 6 = 660, 360 और माइनस करो कितना आ जाएगा, 300, और 300 किधर जाता है भाई, 300 आपका यहाँ आता है, तो लास्ट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, cos और sec ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो sec पॉजिटिव रहेगा, 270
30 तो 6 30। क्वाड्रेंट का खेल है जी, तो आप क्वाड्रेंट को बना सकते हो यहाँ पर, और ये आपको कितने में चला देगा, 7 पे 360 गुना 7, 7 042, 7 121, थोड़ा लेंथ ही क्वेश्चन भाई है, 7 121 और 4 25, तो 5 2 0 माइनस करो, 5 4 45 डिग्री, तो 10:45 यहाँ फर्स्ट टीम बनाएगा, ठीक है। 10:45 प्लस 10:45 प्लस ये भी आपको 45 पे लगभग देगा, बाकी देख लेते हैं 5 पे कितना देगा, 1800, 1800 360 गुना 4 करके देखें तो आपके पास कितना आएगा, 1440, 1440 माइनस करो, 513, 1800 में कितना कम है, 45 तो कम है, ठीक है। तो 315 इसमें जाएगा, और यहाँ पर कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव माइनस करो कोट 45, बस ये 1 1 कट गया। इसको सोल्व करना, 10:30 कितना होता है, 10:30 सॉरी कोस 8:30 आपका कितना होता है, 2 प्लस 2 बाई रूट 3, सॉरी sec 30 नहीं आएगा यहाँ पर, 60 आएगा, क्योंकि वापिस घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर 60 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि ये आपके पास है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ओके, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला बना देगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 405, ये अंदर वाले तो निकालना, ठीक है, 405, 405 को मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए, और 15 को नीचे ले लीजिए, 15 दूनी 30 होता है, और 15 7, और ये आपको कितना आ जाएगा, 27 गुना 2 54, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि राधिका के पास 2 डॉग हैं, 3 रेबिट 4 पैरेट हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेबिट टू द टोटल नंबर ऑफ पैरेट्स कितने होंगे, रेबिट का साथ किसका रिलेशन बनाना है, टोटल 2 3 6 5 और 4 9 हो गया, 1:3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि पीटी एक टेंजेंट है सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है, और टी एक पॉइंट है सर्कल पर, ठीक है, पीटी टी एक पॉइंट है सर्कल पर, और पी आपका यहां पर है, ओके, और पीटी की लेंथ कितनी है, 12 है, पीओ की लेंथ कितनी है, 13 है, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालो कितना होगा, तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, ये आपका कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ट्रिपलेट पता होगा, तो 5 12 13 आपका होता है, 13 13 का 5 12 13 का, तो 5 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को 18 और 30 दिन में, ए बी स्टार्ट करते हैं वर्क को, लेकिन ए तो छोड़ देता है 16 से 2/3 दिन पहले छोड़ देता है काम को करने से, बी अकेला उस काम को करता है, तो हाउ मेनी डिड डे डिड वो, ए ने कितने दिन काम किया, इसका मतलब ये, तो ए 18 दिन और बी आपका 30 दिन करता है, एलसीएम लो कितना आएगा, 90 आएगा, 18 5 और 30 30 टोटल नंबर काम है। तो बोला है कि ए ने 16 से 2/3 पहले काम के खत्म होने से पहले छोड़ दी, चलो तो मतलब पहले छोड़ दिया, अगर ये साथ होता छोड़ा नहीं होता तो ये काम करता कितने दिन और काम करता, 50/3 दिन और काम करता, किस एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ गया यहाँ से, 250/3 आ गया। अब टोटल काम चेक करो, टोटल काम चेक करो, 90 प्लस 250/3 डिवाइड बाई एफिशिएंसी दोनों की कितनी, 8, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने इसको मिला दिया है,
ठीक है, 270 प्लस 250 नीचे आपका 24 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 520 और नीचे 24 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से ये आपका 130 और 4 से 6 और ये आपका 65, ये आपका 3, तो 65/3 आपका क्या आया, दोनों के द्वारा मिलके काम किया गया है। ठीक है, तो ए का आप निकालोगे, ए का आप निकालोगे, ए का कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्योंकि 50/3 यहां पर पहले छोड़ गया तो छोड़ दो, मतलब ये तो टोटल काम है, ये छोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 15/3 आ गया, कट करो, 5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आपका। एक बोट है जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 12 घंटे 30 मिनट में। यदि 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए, 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए 18 घंटे 54 मिनट में, तो स्पीड निकालनी है इंटीजर के लगभग बोट की। क्या बोला कि 60 किलोमीटर एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम हो गया, प्लस में 40 किलोमीटर एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम हो गया, जो क्या कह रहा, 12 घंटे और आधा घंटा फालतू, तो 25/ कितना हो गया, 2 घंटे। ठीक है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई प्लस 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई 18 घंटे 54 मिनट। 18 घंटे तो पूरे हो गए, 54 को घंटे बनाओ 60, 6 से 9, 6 से 10, 9/10 189/10। ठीक है, ओके। तो यहां से क्या अपन क्या करेगा, मैं 5 से कट करूं, सभी को 5 से कट करूं, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से कट करूं, तो 5 12 5 एक्स प्लस वाई, और हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी, याद रखना, प्लस में 40 एक्स माइनस वाई, 40 नहीं 8, क्योंकि 5 से कट कर दिया, 5/2। इसमें से क्या आएगा, अगर मैं किससे कट करूं, 7 से कट करता हूं, इसको भी 7 से कट करता हूं, इसको भी 7 से कट करता हूं, तो 7 12 7 एक्स प्लस वाई प्लस 9 7 9 63 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 27/10। मैंने इसको 7 से कट क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको इसको सेम बनाना था। नीचे वाले के क्या करो, साइन चेंज करो, माइनस मतलब ये आपका सेकंड होता है, ये आपका फर्स्ट होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड माइनस वन करना पड़ेगा, तो जैसे माइनस किया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे और ये कट हो जाएगा, तो मेरा जो यहां से निकल के आएगा आंसर 8/x माइनस वाई माइनस 9/x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2 माइनस 27/10 निकल के आएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना आपने, तो माइनस माइनस 1/x माइनस वाई सोल्व हुआ, और इसको सोल्व करके 10 आया, और 25 25 माइनस 27 माइनस 2 आ गया। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, एक ये आपका 5 ही है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है, ओके, बस किसी में पुट करो, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, अब मैं कर लेता हूँ सारे साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, बाकी आप ऊपर वाले में सोल्व कर सकते, ऊपर वाला इजी लग रहा है तो ऊपर वाले में सोल्व करूंगा, तो 12/x प्लस वाई प्लस 8/x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है, जो कि 5/2 देगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना, कितना हुआ, तो 8/5 को उधर भेज देता हूं मैं, माइनस 8/5 सोल्व करिए, 12/x प्लस वाई पापा 25 8 16 कितना हो गया, 25 में 16 9/10, 3 से कट करो 3 3 से कट करो 4, तो 3x प्लस 3y कितना आया, 40 आया, 3x और 3y कितना आया, 40, तो यहां से x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3 आ जाएगी। एक इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, x की वैल्यू कैसे निकलेगी,
एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को प्लस कर लीजिए 40/3 +5 और इनका एवरेज कर दीजिए 2/2, तो कितना आएगा 15 और 40 55/3, 3 को नीचे मल्टीप्लाई करो 6, ठीक है, तो 6 × 54 होता है। तो यहाँ पर बोला कि अप्रोक्स बता नहीं जस्ट इंटीजर, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 आपका राइट आंसर दे देगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट बताने हैं जो गोवा से क्वालिफाई है, अपीयर्ड फ्रॉम गोवा इन हाईएस्ट इन ईयर्स, कौन से साल में हाईएस्ट गोवा में ज्यादा है। देखो भाई गोवा का ये रहा, अपीयर्ड का ये रहा, ठीक है, और क्वालिफाई का ये रहा। क्वालिफाई बताना है 810, कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको, तो ये तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं सारे सोल्व, पहले इस में से सोल्व करते हैं 810/78। नजदीकी निकाल लेते हैं, तो 78/78 करोगे तो 00, 78 से 10% के लगभग जाएगा, बाकी 800/7500, अगर 72 बनाओ तो 1/4, 25% के लगभग जाएगा। इसको देखो 92, तो 92 बना लेता हूं, तो ये भी 10% के लगभग जाएगा। आगे देखो 85/85100/7500, 0 से 0, 8 से 80 बनाओ, 10, 9, 9/10, 9/10, 1, ये 25 है, 2.5 चाहिए, 1 1 पॉइंट, कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से ये ज्यादा आ रहा है, पहले 1 पॉइंट समथिंग, तो 2015 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका, तो सम ऑफ मनी जो हो जाता है 8/7 अपने आपका 2 साल के अंदर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होना है, ठीक है। तो देखिए, तो रेट हमें क्या पता है निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है 8/7, तो प्रिंसिपल को मैं क्या मान लेता हूँ 7, SI को क्या मान लेता हूँ 1, क्योंकि ये तो आपका अमाउंट हो गई, आपका अमाउंट हो गई, आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, राइट। तो एक SI हो जाता है 7, और 7 का 2 साल में सिंपल रेट हमें बताना है, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, तो 7 × 14 होता है, तो 2 से कट करो 50, तो रेट जो आएगा वो 50/7 आएगा, ठीक है, रेट जो आएगा वो 50/7 आएगा, 7 से कट करो 7 × 7, 1/7 से 1/7% आपको क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 3 क्यूब है जिसकी साइड आपकी रेशियो में दे रखी है, मेल्ट किया गया, एक सिंगल क्यूब बनाया गया जिसका डायगोनल ये है, तो साइड ऑफ 3 क्यूब बताने की कौन कौन से साइड है, तो रेशियो से पता करिए, 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, 4 से, 4 से होगा, 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 5 से होगा, होगा, सारे हो रहे हैं, तो आप चेक, आपने बस चेक करना पड़ेगा, क्यूब है 3x और 4x और 5x, क्योंकि इसका वॉल्यूम पिघलाएंगे तो क्या करेंगे, x³ यहाँ से 27 + 64 + 125 आ गए, डायगनल बना रहा है 18√3 का, तो साइड कितनी होगी 18 होगी, अगर सिंगल क्यूब बना रहा है इसका, तो 18√3 का साइड क्या होगा 18 होगा, तो 18 × 18 × 18 हो जाएगा, x³ गुना कितना हो जाएगा 7 और 4, 5 और 4 11 और 7 8, 3 और 6 9 और 2 11, ओके, सॉरी भाई थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो रही थी, 7 और 4 11 और 5 16, 3 और 6 9 9 और 2 11, 216,
जो कि 18 क्यूब बना रहा है, एक्स क्यूब इंटू 6 का क्यूब इज इक्वल टू 18 क्यूब। अगर 6 से कट करेंगे तो ये कितने का क्यूब दे देगा, 3 का क्यूब दे देगा, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि क्यूब से क्यूब हटा दिया हमने। एक्स की वैल्यू अगर 3, तो ये कितना होगा, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 सिर्फ इसी में दे रखा 9, ये आपका क्या होगा राइट आंसर, बाकी खूब निकाली है, ठीक। अगर एक आदमी और दो वोमेन मिलके किसी, और 3 बॉयज मिलके 121 दिन में किसी काम को करते हैं, तो मान लीजिए मैन 121 दिन में काम करता है, सेम काम दो वोमेन करती है जो कि 121 दिन में करती है, और सेम काम 3 बॉयज करते हैं जो कि 121 दिन में काम करते हैं, ठीक है। और मैं मान लेता हूं इस काम को पूरा वर्क, ठीक है। यहां से आप रेशियो निकालोगे, तो रेशियो आप जैसे निकालोगे तो ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, तो मेन कितना हो जाएगा, 6, मेन का रेशियो 6 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो, क्योंकि हमें 6 बनाना है, 2 × 2 × 3 वो मेन का 3 हो जाएगा, मेन का आपका 3, वो मेन का आपका कितना हो जाएगा 3, और बॉयज का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ओके, तो आप देख लो टोटल काम कैसे करेगा, अगर एक आदमी एक वुमेन और एक लड़के मिलकर करे तो 6, 3 और 2, या फिर ये आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। 6, 3 और 2 कितना होता है, 9, 9 और 2 11, ठीक है। 11 काम है, सॉरी 121 काम मान लो, अगर 121 काम है 11 दिन के हिसाब से हो रहा है, तो कितना काम हो गया, तो 11, और किसके लिए बोला है, टोटल काम यहाँ पर हम 6 मान रहे हैं, तो टोटल मल्टीप्लाई 6 करो तो 66 आपका क्या होगा, दिन आएंगे। ओके, तो 66 आपका राइट आंसर दे देगा। तो आज के लिए भी इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जुलाई को 11:45 से लेकर 12:45 तक। इसका मतलब ये आपके सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में जो देखने वाले हैं वो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। क्या बोला कि एक सॉलिड कॉन दे रहा है जिसका कोर सरफेस एरिया 2i से उसके बेस के एरिया से, तो बोला कि पाई आर एल जो है वो क्या है, 2i ऑफ पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। हाइट इतनी दे रहा है कि स्लांट हाइट कितनी है, 6√3 है, तो पाई से पाई कट गया, आर की एक पावर से आर कट गया, तो यहां से जो एल आएगा 6√3 इज इक्वल टू 2 आर आएगा, 2 से कट करो ये आपका 3 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी 3√3 हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट जो होगी क्या होती है, ये आपका कोण होता है, ठीक है, और ये आपकी रेडियस होती है, और ये आपका स्लांट हाइट होता है। तो हाइट कैसे निकालोगे, एच इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, तो कितना हो जाएगा, 6√3 का स्क्वेयर करो माइनस 3√3 का स्क्वेयर करो और इसका स्क्वेयर रूट करो, कितना हो गया, 36 तिया 108 इसका स्क्वेयर होता है, 3 तिया 27 का स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर रूट करोगे तो 81, 81 का स्क्वेयर रूट आपका 9 आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि सम ऑफ मनी है जो सिंपल इंटरेस्ट इतना कमाया गया 8 साल में, 8 साल में कितना ले, 8 साल में कितना ये इतना कमाया गया, ठीक। अगले 6 साल में इतना कमाया गया, ये अगले 6 साल के लिए, प्लस अगले 4 साल के लिए क्या है, 6.5 कमाया गया, 6.5 कमाया गया अगले साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट इस दौरान कितना कमाया गया, इतना कमाया गया, तो देख लेते हैं। ओरिजिनल सम पूछा, तो ओरिजिनल सम 100% के बराबर होता है, तो देखो 8, ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 और 8 × 7 = 56, ये आपका 58 हो गया, प्लस 6 × 8 = 48 और 3 × 51 हो गया, प्लस 4 × 6 = 24, 24 × 2 = 26 हो गया, इसका सम करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 और 1 = 7, 135% आ जाएगा, ठीक है। 135% की वैल्यू कितनी है, 351 के बराबर, 0 0 करिए, तो 17 से नहीं होगा, और 9 से हो रहा है, 9 × 9 = 9, 5 = 45, और 9 से कट करोगे तो 9 × 3 = 27 और 9 = 81, ठीक है। और
15 से कट करोगे 1%, 1% की वैल्यू कितनी है, 15 दोनों 30, 15 6 90 और 0, 1% की वैल्यू 260 है, हमें किसकी निकालनी, 100% की, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 26,000, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स की पावर 4 + 1 बाई एक्स की पावर 4 इतना दे रखा, तो इसका आपको निकालना, तो ये क्या होता है आपका, एक्स की पावर 4, 1 बाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 + 1 बाई एक्स की पावर 3, तो माइनस कर दीजिए क्या, एक्स की +1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इससे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर आएगा। कैसे आएगा, +2 करिए और स्क्वेयर रूट लगाइए इसके साथ, 144 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 12, फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स करिए, सेम प्रोसेस करिए, +2 √12 कितना आ जाएगा, √14 आ जाएगा, यहाँ से √14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 142 दे रखी है, और ये कितना आ जाएगा, ये हम निकालेंगे। अब इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए तो आप क्या करोगे, 14 √ इसका क्यूब माइनस 3 √14 हो जाएगा, 14 क्यूब कितना होगा, √14 का क्यूब 14 √14 माइनस 3 √14 कितना आ जाएगा, 11 √14 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 11 √14 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 46, 11 × 11 = 15, √14 करो, और ये आपका माइनस का √14 हो जाएगा। तो 1562 में से 1 गया, तो 1561 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन बोला गया है किसका, फंड का, फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से और गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट एजेंसी आपका ये रहा 12% के साथ, डोनेशन ये रहा आपका 35% के साथ, इनका डिफरेंस कितना होगा, 23%। तो 23% के आपसे वैल्यू पूछिए कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से सिर्फ 23 की एक ही मल्टीप्लाई में ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो ये भी जो है कंप्लीट करते हैं 12 और 18 दिन में, अगर दोनों अलग अलग करें, ए ने स्टार्टिंग किया तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, एलसीएम लो कितना आ जाएगा 36, तो 12 30 36, 18 दूनी, तो ए जो करेगा वो 3 करेगा एक दिन में, बी जो काम करेगा एक दिन में 2 करेगा, अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, ये टाइम है, तो 5 × 7 करिए 5 × 7 = 35, 35 काम कितने दिन में हो गए, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो 14 दिन में, तो 14 दिन तो कंप्लीट करेंगे। अब बोला कि एक दिन मतलब 36 काम होने में एक बचा, तो एक कौन करेगा, तो यहाँ तक बी ने कंप्लीट कर दिया, सर्कल पूरा हो गया, तो अब ए की बारी आई, तो ए एक दिन में 3 काम करता, बोला कि एक काम बचाओ तो तीसरे दिन का हिस्सा करेगा, तो 14 से 1/3 आपका क्या होगा, राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं रैमो 15 दिन में, जियो से काम को 10 दिन में करता है, तो फैक्ट्री के मैनेजर ने बोला कि काम को जल्दी खत्म करना है जितना हो सके, तो इनको ऑर्डर दिया गया दोनों मिलकर काम करे, तो कंप्लीट कितने दिन में होगा, 15 जियो 10 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया, तो 15 × 2 = 30, 10 = 30, तो टोटल मिलकर 5 काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, 30 काम है, डिवाइड बाई 5 करो 6 दिन, आपका राइट आंसर दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ए बी सी काम कर रहे हैं अलग अलग दिन में, और दिनों मिलकर काम करेंगे तो 2600 रुपये कमा रहे हैं, तो सी का कमाई कितनी होगी हमें बताना है, तो ए बी सी 10 15 20, एलसीएम लो 60 आया, तो 10 6 15 4 और 20 3, ठीक है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 की वैल्यू यहाँ पर 2600 दे रखिए, जो वेजेस होता है ना, कमाई होती है, वो हमेशा एफिशिएंसी पर काम होता है। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 200 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर कितने किसकी निकालनी, सी की, सी का काम 3 दिन का, तो 3 × 200 अगर आप करोगे तो 600 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि एक सेलर प्रोफेसर है जो कॉस्ट प्राइस करता है गेन इतने परसेंट पे, तो हाउ मच,
मतलब 1 KG की जगह वो कितना देगा ये पूछा है, तो इसको ऊपर कंप्लीट करिए, 100/19%, तो 1/19 फ्रैक्शन हो गया। तो बोला कि 19 की जगह प्रॉफिट क्या करा, 19 की जगह 20 कमा रहा, लेकिन कब कमा रहा, जब वेट मतलब प्राइस जो होगा वो टोटल होगा क्या सेम होगा दोनों तरफ, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो प्राइस सेम हो जाएगा। बोला कि प्रॉफिट तो इतना कमाए लेकिन वेट कितना दिया है, इतना ये आप 1,000 देना था लेकिन दे कितना रहा है, 19 ले रहा है, तो 20 की वैल्यू 1,000 ग्राम के बराबर कितने से मल्टीप्लाई, 50 से, तो इधर भी आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 950 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STU कोंगुएंट ट्रायंगल है, PQR PQRSTU PQR 60 है, PQR 60 है, PRQ 30 है, ओके, STU 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बोलता है आपको पता है 180 होता है, 180 में से 60 और 30 को माइनस करिए 90, तो 90 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि नो का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, कि नो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इन सभी डिजिट का सम निकालोगे ना, तो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, कैसे, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 जो होता है वो 9 की मल्टीपल मात्रा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो दिया गया, तो इसको हम क्या करते हैं कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, कैसे इनकी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आपका 96 गुना 96 हो गया, ए सी आपको निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखो अगर आप 96 को 24 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 चौके, अब 4 को 96 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 200 नंबर, पहला नंबर जो होगा वो डिवाइड करेगा, दूसरा नंबर जो होगा उसका मल्टीपल होगा, तो 4 6 4 6 24 4 9 36 और 2 38 84 आ गए, नहीं दे रहा, तो इसको चेक करिए, 96 बटे 32, 32 आप करते हैं, 3 गुना 96 आप करोगे तो 288 आएगा, बिल्कुल करेक्ट, आपकी वैल्यू सेकंड वाली दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, सर्कम सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इज सर्कम स्क्राइब ऑफ ट्रायंगल, बोला कि जो आपका सर्कम सेंटर है वो मतलब ट्रायंगल किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, सर्कम सेंटर क्या करेगा, सर्कम स्क्राइब बनाएगा, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर मतलब इन सेंटर क्या होगा आपकी बार अंदर की तरफ होगा और एंगल बाइसेक्टर करेगा ट्रेंगल, बिल्कुल ठीक बात है, और सेंट्रोइड हमेशा किस में रेशियो देता है, 2:3 में देता, 2:1 होता है। ठीक है, बोला कि एंगल फॉर्म बाय एनी साइड एट इन सेंटर 90 डिग्री, नहीं इन सेंटर में कभी 90 डिग्री ज्यादा नहीं होता, 90 डिग्री किस में होता है आपका, राइट एंगल ट्रेंगल में, जो राइट ट्रायंगल होते हैं ना उसमें होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये आपका सीधा साधा 2 पे चला गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 आ गई। ठीक है, 17 से कट करिए, 17 51 3.5 + 3.5, ये आपका 3.5 हो गया, 3.5 × 5 करोगे तो माइनस में 17.5, इन दोनों के माइनस करो तो -2.5 आ जाएगा, +3.5 दे रखा, कितना आ गया, 1 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक थीफ जो है पुलिसमैन और चोर के और पुलिसमैन के बीच में इतनी डिस्टेंस, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इतना है और स्पीड ऑफ थीफ इतनी है, ठीक है, तो पुलिसमैन उसको पकड़ता है तो थीफ कितनी दूर भागेगा, ये आपसे पूछा, जब पुलिसमैन इसके पीछे लगता है तो थीफ कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, तो देखिए टाइम कितना होगा, टाइम जब निकालते हैं इन दोनों के, देखो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/15 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1/5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब बोला कि थीफ भागेगा ना, थीफ की स्पीड कितनी है, 60, टाइम कितना है, 1/5, तो कितना आ जाएगा, कट करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि एवरेज वेट वो 15% इंक्रीज कर देता है जब 1.2, कब, जब 51 की जगह एक नया आदमी ले आएगा तो नए आदमी का वेट बताना है। तो देखो भाई, अगर मैं अपन पहले एक्स मान लेता तो 15 एक्स हो जाएगा, ठीक है, एवरेज माइनस करो 51, 51 की जगह एक नया आदमी आ गया, ये हटाए ये लगा दिया, क्या हुआ इंस्टेबल, बोला कि एवरेज वेट इतना इंक्रीज हो गया, कितने आदमी का, 15 आदमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 15 एक्स प्लस 15 15 18, 15 एक्स 15 एक्स कट गया, तो वाई की वैल्यू कितना हो गया, 18 प्लस 51 हो गया, कितना हुआ, 69 आपका राइट आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोट 85 दे रखा, बोला कि इसका अल्टरनेट मतलब इक्वल कौन से होंगे, कोट 75, कोट और टेन का क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, कोट ए इज इक्वल टू टेन बी, कब होगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, सेम कोस का और साइन का उल्टा होता है, कोस ए इज इक्वल टू साइन बी, कब होगा, जब आपकी वैल्यू ए प्लस बी क्या होगी, 90 होगी, ठीक है। तो कोट ए 85 दे रहा है, तो अगला कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 85 तो ये 5 आ जाएगा, और ये 75 है तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि ये वैल्यू आपके पास गिवन गिवन है, ये आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सीधा स्क्वेयर निकालते हैं, तो एक्स स्क्वेयर ही निकाल देते हैं, तो x² + y² + z² + 2 x y + yz + z x कितने बराबर, 4 के स्क्वेयर के बराबर 16 आ जाएगा, ये आपका 12 दे रहा है, तो इस तरह लेंगे तो -12 करो, ठीक है, ये कट गया, अब 2 इधर है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, तो 4/2 आ जाएगा, तो 2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि ये वैल्यू दे रखी तो ये निकालना है, तो यहाँ से मैं y+1yy करता हूँ, तो 11/5 आ गया, तो इसका स्क्वेयर करूंगा तो 1/2, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वेयर करेंगे और माइनस में 2 कर दो, तो 121/25 माइनस 2 करोगे, 121/25 कितना हो जाएगा, 71/25 हो जाएगा, क्योंकि 25 दूनी 50, 121 में से 50 को हटाओ, तो ये कितना आ गया, एलसीएम उसमें फ्रैक्शन में दिया गया था, 2 से ही 21/25 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि 2 tan है, 1 + tan स्क्वेयर है, क्या वैल्यू होती है, सीधा साधा फॉर्मूला दे रखा है, सीधा साधा फॉर्मूला दे रखा है sin 2a का, ठीक है, अगर आपको निकलना है तो टेन की जगह आप किसको यूज करोगे, sin/cos को यूज करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गिवन है तो मैं इसको चेंज करता हूं, तो इसको मैं cos 90 - 50 - θ, तो cos 40 - θ, तो आप ये देखिए प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, 0 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाए 30% एक पर, तो 30% सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाए तो +1 + 30 + 30 × 30 हो जाए, डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, कितना हो गया, 60 + 9 = 69 हो गया, ठीक है, प्लस सॉरी परसेंटेज बताना है डिक्रीमेंट का, तो -30 - 30, अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, तो 30 × 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 0 से 0, तो माइनस का 60 + 9 कितना हो गया, -51 हो गया, ठीक है, कितना डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस कितने पे, 15 पे, परसेंटेज निकालो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सॉरी 51 पे भाई, अगर मैं 51 को 50 के नजदीक मान लू तो कितने अब चला जाएगा, 50 3 5 3 15, तो 3 से ऊपर ही जाएगा, कट हो गया, 15 3 0 36% के लगभग जाएगा, 30 5 6 30, तो ठीक है, 36% के लगभग, ये 36 के लगभग नहीं, ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना दे रखा है, तो एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ, एक को हाइट, तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, L × b, b × h + h × l, तो 2 × 5 × 7 + 7 × 11 + 11 × 5, तो ये आपका 35 + 77 + 55, तो 2 × 5
आ जाएगा ये आपका 164 बना देगा, अगर सम करोगे तो 166 बना देगा, तो 2 गुना 166 कितना हो जाएगा, 334 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिमांड ऑफ कंपनी पी क्या परसेंट होगा, डिमांड ऑफ कंपनी क्यू, कंपनी पी शायद ये होगा आप पहले वाले पी है, तो ये आपको 3276 के साथ, ये 4550 के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं, कंपनी पी का कंपनी क्यू से बताना है, तो 3276 अपॉन में 4550 गुना में 100 लगा दो, तो अब देखो 4 45 अगर 4 से करो तो 8 पे चला जाएगा, लेकिन 45 से करोगे तो 7.7 700 पे जाएगा, 70 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 70 पॉइंट समथिंग 70 तो जाएगा नहीं, कटोगे, ये कम ही ये कम ही, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखिए इसकी कितनी आपके प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपका रिवीजन अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक आदमी फिनिश करता 10 दिन में, एक औरत फिनिश करती 12 दिन में, तो मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये पूछा है उसने। तो मेन 10 दिन में, वो मेन 12 दिन में, एलसीएम लो 60 आया, ये आपका 6, ये आपका 5, कितना हो गया 11, तो 60/11 आपका आंसर दे देगा, सीधा साधा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिस्काउंट किस पे मैक्सिमम, डिस्काउंट पूछा, डिस्काउंट पूछा है किस पे मैक्सिमम है, तो 6 खरीदोगे तो 4 आ जाएगा, 6 खरीदोगे 4, 4 का डिस्काउंट कितने पे, 10 पे है, तो 40% आ गया यहाँ से, 5 खरीदोगे 5 फ्री, तो 5/10 कितना आ गया, 50% आ गया, 18 और 24 कितना होता है, 42, तो ये तो वैसे ही कम हो गई, ये तो आपको होगा नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन है, बी वाला है, बी आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको समझ आया, मेरे इजी शिफ्ट थी, इजी क्वेश्चन थे, तो आज की शिफ्ट बड़ी इजी लगी मुझे, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ये आपका 20 जुलाई को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, इसका मतलब ये आपकी जो शिफ्ट होगी वो थर्ड शिफ्ट होगी, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला कि फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की जो सर्कल है वो 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्यू का बोला गया सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल बताना। तो आप चेक करिए, क्यू कहीं ना कहीं पॉइंट है बाहर, ठीक है, सेंटर ये आपका है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 25 है, और यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा, तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी 20 है, ठीक है, ओके okay, तो सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये देखो, ये क्या आपका, आप देखोगे कि जो 90 डिग्री अपना बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका, क्योंकि रेडियस और जो कॉमन टेंजेंट का बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये आपका क्या 4 गुना 5 है, राइट, ये आपका क्या 5 गुना 5 है। तो अगर आपको 3 4 5 चाहिए तो क्या किया है, सभी के साथ 5 की मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब जो 3 बचा वो 3 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इसको सॉल्व करना सिंपल सा, तो 8 + 8 - 12 हो गए, यहाँ पर -12 और -5 - 17 + 17 हो गया, तो इसको सॉल्व करिए तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुभ राजा और कौशल्या कंप्लीट करते हैं किसी काम को 30 और 20 दिन में। एक शुभ राजा स्टार्ट कर रही है काम को और अल्टरनेट काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 75% ऑफ वर्क काम कंप्लीट कितने दिन में होगा, ये आपने बताना। ये शुभ राजा, ये कौशल्या, तो 20 और 30 दिन में ये कर रहे हैं, तो एलसीएम ले लो, टोटल काम आ जाएगा 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 × 60 होता है, 20 × 30 = 60 होता है, तो ये आप पर आपका आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग किसने की, सुपराजा, 2 से स्टार्ट की, अगले दिन कौन करेगा, कौशल लेकर, क्योंकि बोला कि अलग अलग दिन काम करना है, तो ये सुपराजा एक कौशल लेगा, तो ये एक दिन, ये दूसरा दिन, ठीक है, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 5 काम हुआ है, 5 को क्या करो, ये वर्क है, वर्क को पूरा कंप्लीट 60 बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई किया, 12 से, तो इधर भी आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो इसमें बोला 75%, सॉरी भाई 75% बोला, तो 60 का 75% आप निकाले, 75% आप निकालो, 25 आपका सीधा गया, 25 25 हो गया, 4 से 15, 75 का आप बोला है कितने पे करेगा, सॉरी क्या कर दिया ये, 45 हो गया, 15 गुना 3 45 होता है, ठीक है। तो 45 का आपसे पूछा गया, 45 कितने दिन मल्टीप्लाई नो कराई, इधर भी मल्टीप्लाई नो कराई, तो 18 दिन में आपका सीधा साधा आंसर चला गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि ए बी किसी का प्रोजेक्ट को 9 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए मिलकर 18 दिन में करते हैं, ए बी से अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में खत्म करें, तो यहाँ आप देखिए ए प्लस बी मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए 18 दिन में कर रहे हैं, टोटल काम का एफिशिएंसी से ले लो 36, टोटल काम कितना हो गया 36 हो गया, तो यहाँ पर टोटल 9 चौक 36 होता है, 12 3 36 होता है, 18 2 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना एलसीएम ले लिया। अब बोला कि ये तीनों ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ए हो गया, 2 बी हो गया, 2 सी हो गया, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, टोटल 9 हो गया। अब बोला कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अकेले अकेले काम करे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9/2 आएगी, 9/2 मतलब आधे आदमी हो जाएंगे, तो डबल काम डबल आधी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो 9/2 एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी। बोला कि तीनों मिलकर काम करें, 36 काम है, टोटल एफिशिएंसी कितने, 9/2, 2 को चला जाएगा, ठीक है, 9 से आपको कट करोगे, 4 4 2 8 दिन आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ, पी और पी भी एक टेंजेंट है, ए और बी पर एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ठीक है भाई, चेक कर ली, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, यहाँ पी है, ठीक है, ओके। अगर एंगल ए पी बी, ए पी बी ये वाला एंगल कितना 24 है, तो ए ओ बी हमें बताना, तो ए ओ बी हमें बताना है ये कितना होगा, तो आप देखोगे क्या, अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, 2 डबल 90 डिग्री 180 होगा। अब ये दो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी करोगे तो 180 डिग्री का होता है, तो एंगल ओ हमें निकालना, तो एंगल पी कितना 24, 24 को जाकर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 156, आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन आज के शिफ्ट में दे रखा है, मतलब पिछली शिफ्ट और ये शिफ्ट मुझे इजी लग रही है अब तक। ये लो काम का 3रा क्वेश्चन आ चुका है, एक भी काम करते हैं, किसी काम को फिनिश करते हैं 8 और, अच्छा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में, बी अकेला इसी काम को 24 दिन में करता है, लो भाई ए अकेला कितने दिन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, तो एलसीएम लो 24, 8 3 24 होता है, 24 से कम 24 होता है, एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर एक बनेगी, तो दोनों की एफिशिएंसी में से एक की एफिशिएंसी माइनस कर दो, तो ए की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला कि 24 काम कितने दिन में करेगा, 24/2 कर दीजिए, पर आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, 1% इन्वेस्ट करता है इतने रुपए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से, टोटल अमाउंट ऑफ इतना हो गया, ठीक है, अमाउंट इतना हो गया, तो कितने साल में इन्वेस्ट, हाउ मेनी, अच्छा टाइम पूछा है, तो 12,300 तो क्या है आपका अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, ठीक है, एस आई हमें, एस आई आप यहाँ से निकालो, एस आई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, ये होगा ना, तो 12,300 में से 9,840 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 0,6,4,2, 2460, 2460 एस आई आया है, कितने प्रिंसिपल 1,840 पर, गुना परसेंटेज कितना 5% है, टाइम टाइम हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो 0 से 0 कट करिए, 2 से कितना ज्यादा है, 24 चौक 4 पे सीधा चला गया, तो ये आपका 1 हो गया, 4 से 25 हो गया, 5 से 1, 5 से 5, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 5 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, पूरे 5 साल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि पी गिव क्यू ए हेड स्टार्ट ऑफ 2 सेकंड इन 400 मीटर रेस, ठीक है, ए बट बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू फिनिश द रेस, स्पीड ऑफ क्यू की दे रखी, अगर स्पीड ऑफ क्यू इतनी दे रखी तो पी का टाइम टेकन हमें निकालना है, तो आप देखिए
ये कोई रेस है यहाँ पर भी है। क्यू ने क्या किया, पी और क्यू के बीच में कितने सेकंड की डिस्टेंस है, 2 की डिस्टेंस है, ठीक है, ओके राइट। 2 की सेकंड डिस्टेंस है क्यू की स्पीड दे, मतलब इसने क्यू ने डिस्टेंस कवर किया वो 2 सेकंड पहले, ठीक है। तो इसका मतलब किस स्पीड से गया, 2 मीटर की, तो डिस्टेंस निकालो, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 4 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल लेंथ कितनी थी, 400 थी, ये कितनी बच गई, 396 बच गई, ठीक है, समझ आ गया इतना आपको। अब बोला कि 396 जो है, 396 जो है क्यू कितनी देर में दूरी तय करेगा, स्पीड दे रखी है, तो 396/2 करेगा तो 198 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। मतलब यहां तक भाजने में क्यू को कितना टाइम लगा, 198 सेकेंड लगा। बोला कि यार सेम टाइम पे क्रॉस कर लेते हैं लास्ट टाइम को, तो इसका मतलब 198 सेकेंड कौन क्रॉस करेगा, पी का टाइम लेकर आएगा, ठीक है। तो थोड़ी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी समझो, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। प्राइस ऑफ आर्टिकल बोला कि इंक्रीज कर दिया 8% से, न्यू प्राइस डिक्रीज कर दिया 8% से। नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज 1 रुपीज एंड ओरिजिनल प्राइस हमें क्या निकालना बताना है। देखो एक बार इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो आर माइनस आर, प्लस का आर इंक्रीज कर दिया, माइनस का आर डिक्रीज कर दिया, प्लस का आर इंटू माइनस का आर करोगे तो माइनस का आर स्क्वेयर हो जाएगा और हंड्रेड आप कर दो, ठीक है, ओके। तो इससे तो ये कट गया, तो आपके पास क्या आंसर आया, 8/100% आपके पास आया, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया, तो टोटल ओवरऑल जो है डिक्रीजिंग होगी वो 8%, 8² माइनस सॉरी माइनस डिक्रीज हो गया 8% की। तो अगर देखो बोला कि अब नया प्राइस ये जो वैल्यू है ये 1% के 1 रुपये के बराबर है, लेकिन मैं क्या मानता हूँ आपको इजी करने के लिए 100 मान लेता हूँ, इनिशियल प्राइस कितनी होगी, 100 हो गई, ठीक है राइट, 100 हो जाएगी, ओके। अगर 100 हो गई तो आप क्या करोगे, 100 का 8² परसेंट निकालो, तो 8² का परसेंट करोगे तो 8² माइनस का 100 × 100 नीचे 10,000 आ जाएगा, तो इसका 100 का 8² के साथ मल्टीप्लाई करो 10,000 आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, डबल जीरो आप कट करोगे तो आपके पास क्या आया, -8² / 100 आ गया, ठीक है। ये क्या था, ये डिक्रीज हो रहा, लेकिन डिक्रीज होने के बाद कुछ ना कुछ आया होगा, डिक्रीज होने के बाद कितना आया, 100 - 8² / 100 आया, जो इसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ओके। तो आपको बस सोल्व करना है, तो इतना समझ आ गया आपको, देख ठीक है। तो यहां से हम सोल्व करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा, तो एक की अगर 800 आप निकालोगे तो ये आपको मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, और यहां से एलसीएम सोल्व करेंगे तो क्या ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका 100 आएगा, ऊपर तो 100 आएगा, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 100 का 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा, और माइनस में 8², ठीक है। अब आपके पास ये आंसर आएगा, नीचे ये चीज आनी चाहिए, तो नीचे ये चीज आएगी तो ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत, एक ऑप्शन में, बाकी 1,000 क्यों, 10,000 क्यों दिया गया, क्योंकि हमने इनिशियल प्राइस कितना माना था अपनी तरफ से, 100 माना था, तो इस 100 के मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन हमने देखने को मिला था अपनी, ठीक है, वीडियो में। बोले कि अप्रोक्सीमेशन रेशियो ऑफ सेल प्रोडक्ट A to E इन 2019, ए कितना है, 20 है, ई कितना है, 40 है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मैंने लिख दिया है। तो 40 और 20 का रेशियो, 20 और 40 का रेशियो निकालना है, कितना हो गया, 1:2 आपका सीधा सा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना, 50 डजन बनाना की कीमत कितनी है, ट्रांसपोर्ट कर दिया, कॉस्ट प्राइस इसका ट्रांसपोर्ट का 0.25 पर बनाना है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रुपये पेयर ऑफ बनाना, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता नहीं है। देखो 50 डजन के मतलब कितना है, 50 डजन मतलब 50 गुना 12 जो केले हैं वो 2400 में बिक रहे हैं, ठीक है,
एक की निकालनी तो 12 से आपका 200 गया, ओके 50 से कितना गया, 0 से 0, 5 से 4, 4 4 के लिए कितने में जा रहे हैं, 1 रुपए में जा रहे हैं, ठीक है ओके राइट। सॉरी भाई, एक केला इधर बनाना है ना, तो इधर बनाना की कीमत जो है, एक बनाना की कीमत 4 रुपए है, बोला कि 0.4 इस पर ऐड किया गया, तो 4 के साथ 0.25 हमने ऐड कर दिया, क्या ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना हो गया, 4.25 हो गया, ठीक है। एसपी कितना दे रखा है, एसपी पेयर ऑफ बनाना 10 रुपये, 2 पर दिया गया है तो 1 पर कितना होगा, 5 रुपये होगा, एसपी कितना होगा, 5 होगा, और ये आपका सीपी कितना हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा, परसेंटेज देखो 0.75 का है, तो 0.75 का सीपी पर निकालना, ठीक है, इंटू 100, डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे तो यहां से आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा, 15 से कट हो जाएगा, देखो 25 से 30, 25 आपका कितना चला जाएगा, 25 एकम 25 कितना हो जाएगा, ये 175, 25 सात 300/17 हो गया, 300/17 कितना होता है, 17 एकम 17 होता है, और 130 हो गया, तो 17 सात में 119 होता है, ठीक है, 17.7 17 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 17 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में, ये आपका क्या देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ, बोला कि 3 साइड ऑफ ट्रायंगल दिया गया 12 17 और x, तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होते हैं, जो 2 साइड होती है एक बार इनका डिफरेंस कर लीजिए राइट, जो ट्रिपल साइड होगी वो बीच में आएगी, और इधर क्या होगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5 है, यहाँ से x है, यहाँ से 29 है, तो करेक्ट सिक्वेंस आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि के परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इक्वल टू एक्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन यहाँ पर अगर आप देखो तो रेड है, डिमांड ब्लू है, याद रखना प्रोडक्शन एक्स का प्रोडक्शन यहाँ पर 800, डिमांड फॉर द कंपनी डब्लू, डिमांड फॉर द कंपनी डब्लू, डिमांड डब्लू की डिमांड 800 1600, ठीक है, तो 800 जो है वो के परसेंट, 800 का के परसेंट क्या है, डिमांड ऑफ कंपनी, ओके 8 के, सॉरी सॉरी ये प्रोडक्शन है, ये है डिमांड भाई, ब्लू कलर का है, तो कितने का होगा, कितने का होगा, 400 के बराबर हो जाएगा, तो 100000 8 से कट करेगा तो 50, के की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि एक थीफ ने नोटिस किया एक पुलिसमैन को, डिस्टेंस 200 मीटर है, 200 मीटर डिस्टेंस पर पुलिसमैन को नोटिस कर लिया गया है, ठीक है, ये पुलिसमैन इधर, ये थीफ है, और इधर भागेंगे दोनों, थीफ स्टार्ट रनिंग एज सून एज ही नोटिस द पुलिसमैन चेंज इन, पुलिस ने चेंज किया थीफ एंड पुलिसमैन रन 10 स्पीड, इतने से थीफ इतने से दौड़ रहा है और रन ये 11 की स्पीड से दौड़ रहा है, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद हमें डिस्टेंस चाहिए कितनी होगी, देखिए अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या आगे, स्पीड आगे 200 की स्पीड, देखो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, आप देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ओके वैसे हमें ये क्यों निकालना, हमें तो क्या निकालना है, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद कितना होगा ये तो निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 इंटू ये 5/18, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया स्पीड का, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम आपका 6 मिनट है, 6 मिनट है, 6 को आप घंटे में बना दो आंसर आ जाएगा, 6 को सेकंड में बनाना, सॉरी 6 को सेकंड में बना दिया, तो इसको सोल्व करिए, 3 30 से आपका 20, तो 20 ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर पे जाके इसको पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार, इसलिए कहीं किसी और मेथड पर हम चले जाते हैं, बोला कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, आपको ये निकालना होगा,
आपको पता है कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस में थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो होता है, ठीक है, ओके। तो इसको आपको सोल्व करना है, यहाँ पर आपका क्या दे दिया गया, माइनस वन, तो थ्री इंटू माइनस वन हो गया, ठीक है, ये एच डी है, हमें तो इसको निकालना है, तो ए बी सी सेवन है और यहाँ पर सेवन का स्क्वायर माइनस में थ्री इंटू ग्यारह, तो ये आपका प्लस का तीन हो गया, प्लस का तीन हो गया, ठीक है, ओके, प्लस का तीन हो गया, और यहाँ से सात और सात का स्क्वायर 49 माइनस 33 हो गया, तो प्लस का तीन सात इंटू 16 कितना आ जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई, 7 6 42, 7 × 7 11, माइनस 3 कर दो तो 109 आपका राइट आंसर चला जाएगा, तो उधर जाके 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 12 थीटा प्लस कोस 12 20 थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको चाहिए क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, 90 डिग्री पर होती है, क्योंकि हमें 0 से 1 तक पता है, ठीक है, तो वन कहाँ होती है, वन कहाँ होती है भाई, 90 पे होती है, साइन, अगर साइन में देखो थीटा की वैल्यू 90 होगी और कोस पे देखो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ ही, वैसे भी मैंने आपको बता दी मिनिमम 0 होती, मैक्सिमम 1 होती, तो 1 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। इसको सोल्व करना, 2/3 10 स्क्वायर 10 10 60 कितना हो, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, प्लस 3 × cos 30 कितना होता है, 1/√3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 आ जाएगा, माइनस 2 sec²30, sec 30 कितना होता है, 2/√3 होता है, तो 2 × 4/3 अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस cot 60 कितना होता है, cot 60 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आपका सीधा खाता दे देगा, 3 से 3 आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, 3 से 3 तो 2 + 9/4 -8/3 -1/4 हो जाएगा, तो इस प्लस वाले को सोल्व करो, एक क्वेश्चन वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, 12 LCM 12 2 24 +6 9 36 -4 3 12 होता ना, तो 3 × 27 होगा, 27 हो जाएगा, -32 4 8 32 माइनस और ये आपका 3, ठीक है, ऐसे इसको सोल्व आपने करना है, तो यहां से दोनों का आंसर -5 होगा, -5 -3 -8 24 -8 अगर आप करो, 24 - 8 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16/12 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, अगर सोल्व करो तो 1.33 आपका राइट आंसर दे देगा, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वेयर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, बोला कि 72 का स्क्वेयर जो है वो 216, 216 और एक और नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर का, तो आप देखोगे सीधा साधा 3 से जा रहा है और 3 से इसको कट करोगे तो 24 चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी, 24 आपको क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि पीप एंड क्या जो है काम करते हैं 24 दिन में, क्यू और आर जो है वो 30 दिन में काम करते हैं, पी आर जो है 40 दिन में करते हैं, ये लो फिर से काम का क्वेश्चन आ गया, एक्स जो 4 टाइम्स एफिशिएंट है पी से, ओके, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है, तो हम देख लेते हैं, पी प्लस क्यू जो है वो 24 है, क्यू प्लस आर जो है वो कितना है 30 है, पी प्लस आर जो है वो कितना है 40 है, जब क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है ना तो सॉल्व करने की ट्राई करिए उसको, तो 24 5 120 होता है, 30 100 120 होता है, 40 3 आपका 120 होता है, ठीक है, राइट। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, पी क्यू आर मतलब सभी की प्लस कर लेते हैं, पी 2 × p + q + r हो जाएगा, इधर से सम करिए तो 5 और 4 9 9 3 12 हो जाएगा,
तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर की वैल्यू 6 में से 5 गई 1 आ जाएगी। अगर इसको सोल्व करोगे इसके रिगार्डिंग, तो क्यू आर दे रखा माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया तो पी की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, ठीक है। और जो आपकी पी आर मतलब यहां से आपका क्यू की वैल्यू आएगी, अगर माइनस करोगे तो 6 में से 3 गया 3 आ जाएगी, ठीक। ये इनकी एफिशिएंसी आई है तीनों की अलग अलग। अब देखते हैं क्या बोला, जो एक्स है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है पी से, पी से एफिशिएंट है एक्स, तो एक्स पी से कितना एफिशिएंट है, 4 टाइम एफिशिएंट है, तो एक्स बाय पी ले लेते हैं, तो इधर 4/1 कर लेंगे, ठीक है। एक बार इस कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूं, वाई इज हाफ एस तो एफिशिएंट ऑफ क्यू, तो y बटे q करेंगे तो y जो है हाफ है इसके q से, तो हाफ कर दो आ जाएगा, ठीक है। जेड जो है वो 2.5 एफिशिएंट है r से, जेड जो है वो 2.5 एफिशिएंट, 2.5 का क्या निकालोगे, 5/2 हो जाएगा, ये लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी हम। ओके अब क्या बोला, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड इसी काम को कंप्लीट करे तो कितने दिन लगेंगे, अब आपको ये बताना। तो चलो भाई अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी यहां से निकालते हैं, तो आप देखो कि पी की एफिशिएंसी अगर मैं 1 देखूं, क्यू की 2 देखूं, आर की 2 देखूं, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। और 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगी, जो ऑलरेडी 6 दे रखा है, ठीक है। ओके और अब बोल रहा है कि एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं, मतलब 5 की जगह एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं, तो एक्स की 4 है, वाई की 1 है, जेड की 5 है, सम करिए 4 और 1 5 और 5 10 हो गया, 10 की एफिशिएंसी मतलब डबल है तो 12 आ जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों मिलके काम करेंगे 12 की एफिशिएंसी से, टोटल काम कितना है, 120, 120 बटे 12 कर दीजिए कितना आ जाएगा, 10 दिन। आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व आप कैसे करोगे, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा है, तो यहाँ पर देखिए 60 ही हो जाएगा, और 83 में से 60 गया आपका 23 आ जाएगा, ये आपका 81 + 23 कितना हो जाएगा, 4 और 2 8 10, 150 में से 104 गया कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। 46 से अगर आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 पर चला जाएगा सीधा साधा, और 350 और 6 कितना दे देगा आपको, पास 331 दे देगा, 325 और 6 आपको 331 दे देगा, ठीक है। कितना प्यारा सा मतलब आसान से क्वेश्चन सोल्व होने वाला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक रिटेलर जो है ना ऑफ करता है डिस्काउंट 30% का सेलिंग और एसी जिसकी मार्क प्राइस इतनी है, ओके कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी इतनी है, 70% बिलो द मार्क प्राइस, ओके ही ऑफर डिस्काउंट 20% इफ द बायर प्रेजेंट इज मेंबरशिप कार्ड, अगर वो अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाता तो उसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा और भी ज्यादा। द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड, हम बोला कि जो 20% का जो डिफरेंस है, मतलब पहले 70 पे मिला, फिर 70 से और 20% आगे चला गया, और जो डिफरेंस आया 70 और जो नया टर्म आई नया डिस्काउंट आया उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है कि क्या हो। चलो देखते हैं, तो 30% का डिस्काउंट सीपी पर, 70% का डिस्काउंट है, तो एमपी और सीपी यहां से सीधा ले रहा हूं मैं, एमपी 100 है, सीपी कितनी, 70% का डिस्काउंट मतलब कम है, नीचे है तो 30 हो गया, ठीक है। तो यहां से एसपी विदाउट डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30% दे रहा है, तो 30% दे दिया तो 70 70 आया। अब एसपी विद डिस्काउंट कितना दे देगा, विद डिस्काउंट कितना, 20% और ऐड कर लीजिए, तो 70 का 20% कितना होता है, 14 होता है, तो 70 का 20% 14 होता है, -14 कर दीजिए 56 आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए आंसर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, आ गया आपका आंसर, ठीक है। ओके तो देखते हैं भाई क्या होगा,
तो हम क्या निकालते हैं, पहले प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट अगर आप निकालोगे, प्रॉफिट पहले इस एसपी पे निकालो। इस एसपी पे अगर देखो 70 की चीज 30 में दे दो, 40 आ जाएगा। तो 40 आ जाएगा, ठीक है 40, ओके। और दूसरे दूसरा प्रॉफिट देखते हैं, तो दूसरा प्रॉफिट कितना हो गया, 56 है, कितने पे 30 पे, तो 26 हो जाएगा राइट, क्योंकि डिस्काउंट तो एमपी पे मिलता है। प्रॉफिट हमें यहाँ चेक करना है, तो इनका रेशियो बोल रहा है, इनका रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है, पहले रेशियो कट करिए, तो 20 और यहाँ से 13, ठीक है। तो दूसरे वाला जो मेंबरशिप वाला ये है, तो 13/20 कर दीजिए और गुना में 100 करिए, ठीक है। तो और विदाउट मेंबरशिप ये है, तो 13/20 मतलब ये आपका एक ही, आपका 5, 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि अगर ये इतना है तो हमें ये निकालना है। तो आपको पता है कि x6 - 1/x की 6 कैसे निकालते हैं, तो x³ - 1/x³ और x³ - 1/x³ आपका आ जाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर क्यूब में करते हैं, क्यूब में करेंगे तो पहले आप x+1/x निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर करो, -4 करो, सॉरी +4 होगा, क्योंकि उधर से माइनस से प्लस आ रहे हैं तो +4 होगा। तो यहाँ 8 + 4 कितना हो जाएगा, √12 हो जाएगा। √12 को हटाओ तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको राइट। तो x³ + 1/x³ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2√3 का क्यूब करेंगे, प्लस में क्या सॉरी माइनस करेंगे ना 3√3 को, ठीक है। तो यहां से आपको कितना आया, 8√3, 8 × 2 = 16, 16√3 को कितना आया, 13√3 आ रहा है। यहां से कितना आया, 13√3 आया। 1 मिनट भाई, कैलकुलेशन गलत हो गई फिर से। 2² = 4, 2³ = 8 हो जाएगा, और 3 × 8 = 24, ठीक है, 3 × 2, ठीक है, 8³ = 24, 24√3 आया, माइनस में करो 6√3 कितना आया, 18√3। यहां से तो 18√3 आया। क्यूब निकालोगे तो यहाँ पर क्यूब करके देखिए, माइनस में क्यूब, तो माइनस का क्यूब करोगे तो 2√2 का क्यूब, प्लस में 3√2, 2√2 का क्यूब सॉरी। तो यहां से कितना आया, 8, 8 × 16, 16 16√2 + 3√2, यहां से कितना आया आपका, 3² = 6, 22√2 मल्टीप्लाई करो, √2 √3 की √6 हो जाएगी। 22 × 18 करोगे तो 18 × 36 होता है, 18 × 36 और 3 9, 396√6 आपका सीधा साधा आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो y+1/y, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे, ठीक है। तो y² + 1/y² निकालना, तो ये क्या होता है, क्या होता है भाई, 7/2² कर दो और माइनस में 2 कर दो, तो 49/4 - 2, तो 49/4 - 8 करोगे तो 41/4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन दे रखा है, एल्क्यू वैल्यू 10 है, रेडियस 6 है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr(r+l) होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है। आर कितनी है, 6 है, आर कितनी है, 6 है, तो 6 + 10 हो जाएगा, 3.14 × 6 × 16 हो जाएगा, ये आपका 3.14 × 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 × 3 अगर आप करोगे, 3 3 3 6 = 18 और 3 9 = 27 और 28 हो जाएगा भाई, नजदीक नजदीक वैल्यू दे रखे, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस, ठीक है, ओके। तो करो भाई, 6 24 होता है, 24, देखो सिंपल सा पता लग गया भाई क्या है लॉजिक।
दो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, यहाँ पर एक भी गलत गलत गलत, ठीक है। अगर ये आप देखो तो दो डिजिट के बाद भी मान लो तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन आने चाहिए, और लास्ट में 6 24 होना चाहिए, तो जिस सभी में 0 वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 4 डबल डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आपका राइट आंसर दे होगा, ठीक है। बाकी खुद कैलकुलेशन करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन सिंपल भी क्वेश्चन आप कह सकते हो। बोला कि -4 05, तो साइन अगर आप देखो -x कितना होता है, -sin x होता है, क्यों होता है, क्योंकि एंगल को क्या गया, घुमाया गया और इस तरह लिया गया, तो इधर साइन की हर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। राइट, तो आप देखोगे 405 कितना होता है, -sin 90 × 4 माइनस कर दो, +45 हो जाएगी, तो ये तो आपको 1 दे देगा, ठीक है। ओके, और जो आंसर जाएगा वो माइनस में जाएगा, -sin 45 जाएगा, -sin 45 -1/2 आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। 5 20 तारीख को आता, 5:15 से लेकर 6:15 तक, इसका मतलब ये आपका 4th शिफ्ट का एग्जाम है, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम को, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला क्या है कि अगर 5% ऑफ एग्जामिनेशन इतनी है तो स्टूडेंट जो है 210 नंबर ले रहा है और 14 नंबर से फेल हो गया, तो मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन बताना। देखो 35% पास है लेकिन 210 नंबर लेके कितने से फेल हो गया, 14। अगर इसके 14 और आ जाते तो कितने हो जाते, इसका इसके कितने नंबर हो जाते, दो दो चार हो जाते, ठीक है। तो 7 से कट करिए, 7 से 7 5% हो गया, 7 से अगर आप कट करोगे तो 7 से कितना चला, 7 7 3 21, 7 दूनी, ठीक है, 14, तो ये कट गया, 7 से हमने काट दिया। तो हमें क्या निकालना, मैक्सिमम मार्क कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है, 100% बनाइए, तो हम इसको क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 640 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो है अपीयर फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई, सेक्शन ई के मैं बारे में पूछता हूँ। सेक्शन ई आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला सेक्शन ई है, 58 डिग्री के साथ कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपीयर स्टूडेंट जो है 1800 है, ठीक है। अपीयर में से परसेंटेज ऑफ वो अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ई, ठीक है, तो यही आपने बताना है कि 58 डिग्री का क्या एलसीएम होगा, तो 58 डिग्री किस में से है, 360 में से, 360 × 1800 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 0 से 0 और ये आपका 36 से 5, तो वही ये हम क्यों कर रहे हैं, 36 को हमें बच्चे थोड़े निकालने, हमें तो परसेंटेज बताने हैं, तो 58 / 360 करो, इंटू में 100 करिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये आपका 18, ये आपका 5, और कट करो 9 हो जाएगा, 9 से ये आपका 29 हो जाएगा, 29 5 कितना होता है, 5 में 45, 5 2 10 और ये आपका 14/9, तो 9 2 9 1 9 और कितना हो जाएगा, 5 5 9 6 54, 16% समथिंग बनेगा, तो 16% समथिंग आपका क्या देगा, राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, तो 16 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो समथिंग में 2 दे रखे हैं, तो आप देखोगे 54 आए, तो 1 और 0 आगे क्या लिखोगे, 1 और लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि x -1/x इतना है, तो x²-1/x² निकालना है, तो यहां से आप क्या चेक करोगे, यहां से आप पहले क्या निकालोगे, एक्स देखो आपके ये क्या है, एक्स x+1/x है, इंटू में x-1/x है, x -1/x 6 दे रखा है, और x+1/x कितना हो जाएगा,
अगर आप चेक करोगे तो इसका क्या करोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालिए, कितना हो जाएगा, सिक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, सिक्स का क्या होगा, स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस में फोर करके इसका स्क्वेयर रूट कर दो, कितना आ जाएगा, रूट 40 आ जाएगा। तो इधर से करोगे तो दो इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, और टू इंटू रूट 10 हो जाएगा, इंटू कर दो 12 √10 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक आइडेंटिटी दे रखी है, तो इसको हम वन के बराबर पुट कर लेंगे, वन आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज मंथली इनकम फादर और मदर की इतनी है, मदर और सन की इतनी है, और एवरेज मंथली इनकम किस किस की, फादर और सन की इतनी है, तो मंथली इनकम ऑफ फादर आपको बताना है, ठीक है। फादर और मदर की कितनी है, 5,000, अगर मैं टोटल लगा दो तो कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है, क्योंकि ये तो एवरेज है, और डबल करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा, तो मदर और सन की कितने हो जाएगी, टोटल 12,000 हो जाएगी, ठीक है, 12,000, और सन और फादर की कितनी हो जाएगी, 10 का डबल तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपने किया। तो मंथली इनकम ऑफ फादर हमें बताना है, तो यहां से ऐड करिए, सभी को ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ फादर मदर और सन कितना आ जाएगा, प्लस करो सभी को, तो दो और दो दो 4, ठीक है, तो इस दो को कट करिए, कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, 21,000 आ गया, ओके। 21,000 में से क्या निकाला, फादर मदर, मतलब मदर और सन को माइनस करना, तो इसको माइनस करना, इसमें 21,000 में से इसको माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 12,000, और माइनस करोगे तो 9,000 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि ये ट्रायंगल ए पी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी इतनी है, पी क्यू आर इतना है, एरी बी सी अगर इतना है तो क्यू आर में बताना है, तो जब अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, तो बी सी ऊपर रख दो, नीचे पी क्यू आर रख दो, करो वैल्यू पुट, तो 16/25 हो जाएगा इधर, 20/QR का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 से कट करो, 5, 4 से 4 हो जाएगा, तो 25 × 5 कितना हो जाएगा, 25 × 5 अगर आप करोगे, 25 × 5, अच्छा 20 का स्क्वायर आएगा, सॉरी भाई 400 आएगा, क्योंकि ये 20 स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर करोगे तो 4 से कट करो, 100 आ जाएगा, तो 2500, और अभी तो 400 और कट कर दो ना, 400 और कट करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 × 25 आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा, तो ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक्स वाई जेड अगर कंप्लीटेड करते हैं किसी काम को इतने रुपए में, एक्स 5 दिन में करता है, वाई 7 दिन में, जेड 10 दिन में, तो डेली वेजेस ऑफ रेशियो इनका इतना है, तो हाउ मच अमाउंट वाई एक्स, ओके। तो देखो डेली वेजेस इतना है, तो इसका मतलब 4x जो करेगा, वाई जो करेगा, जेड करेगा, 4 5 दिन के लिए करेगा, तो मतलब इतने रुपये कमा लेगा, ठीक है, और 7 दिन के लिए वाई कर रहा है कितने रुपए की रेशियो से, 5 के रेशियो से, एक भाई नीचे ऊपर दिन लिख दो, नीचे रेशियो लिख दो, तो 7×5 35 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और जेड जो है, जेड क्या करेगा, जेड कितने दिन कर रहा है, 10 दिन, कितने रेशियो से, 3 रेशियो से मल्टीप्लाई करो, 30, तो इन तीनों का सम जो दे रखा आपके पास 2400 दे रखा है, टोटल मिलाकर रुपये कितने आ गए इनके पास, 2400 आ गए, तो सम देखिए कितना हो गया, 35 और 30 65 और 20 85 हो गया, 85 की वैल्यू 2400 के बराबर दे रखी है, ओके। तो 17 से कट करो, 17 5 और 17 से कट करोगे 200, 5% की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 हो गई, आपको क्या निकालना है, एक्स की निकालनी है, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो वेजेस निकालना है, तो वेजेस बता, पूछना अमाउंट, ठीक है, टोटल काम नहीं, तो वेजेस क्या करना, तो इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई कराओ, तो 800 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि राम जो है राइड करता है इतनी किलोमीटर पर आवर से, लेकिन स्टॉप करता है 5 मिनट टू ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर, ठीक है,
फाइंड द टाइम दैट राम विल टेक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 84 मीटर। चलो भाई देख लेते हैं। अब 84 किलोमीटर जाता है 36 की स्पीड से जाता है, ठीक है, और हर एक 10 किलोमीटर में 5 मिनट का वो ब्रेक लेता है, ठीक है भाई देख लो। देखो 36 किलोमीटर पर आवर अगर करो तो 60 मिनट में 36 किलोमीटर ये चला जाएगा। 36 किलोमीटर क्या करेगा, चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है, अब हमें क्या बताना है 84 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगा। तो अब देखिए 60 बटे 36 गुना में कितना हो जाएगा, 84 कर दोगे तो पता लग जाएगा कितना टाइम लेगा। तो 10 मतलब आपका 6 6 से कितना हो चला जाएगा भाई, ये 14, तो 140 मिनट में 84 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 140 मिनट तो वो ट्रेवल करेगा कंप्लीट, राइट, कंप्लीट ट्रेवल करेगा, ओके। तो आप देखिए तो ये तो 140 मिनट से कम है, ये तो कट गए, ओके। तो हमें हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे बचे हैं जो आपको देगा आंसर, ठीक है। तो हर एक 10 किलोमीटर में कितना है, 5, तो 8 10 किलोमीटर बनाओ, 1 2 3 4, इधर बना लेते हो 5 6 7 और 8, 8 किलोमीटर हमने बना लिया। तो यहाँ पर 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 5 5, तो आप देखो कितने 5 हैं, 4 5 सॉरी 8, ठीक है। तो 8 गुना 5 मिनट ये रुक रहा है, तो 40 मिनट ये रुके और टोटल ट्रेवल करेगा तो 140 मीटर, 140 मिनट में बिना रुके करता, लेकिन 40 मिनट और ऐड करोगे ये रुक रुक के ट्रेवल कर रहा है, तो 180 मिनट आपको क्या देगा, करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। बोला कि एक 15 मीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सेंटर ऑफ सर्कल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग को डायमीटर ऑफ सर्कल आपको बतानी है, ये लो एक कोर्ड है, ठीक है, और ये रेडियस से कितनी दूर है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है, ये लो, ओके। तो हमें रेडियस बतानी है, तो ये 40 है तो ये 20 हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी, और आपको पता है एक ट्रेंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, ये 15 है ये 20 है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 गुना 4 दे रखा है, यहाँ पर क्या 5 गुना 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा देख लो। तो आपने ट्रिपलेट बताओगे 3 4 5 का, ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है, ये 25 आ जाएगा, राइट। तो डायमीटर पूछा है, ये तो रेडियस आई 25, तो डायमीटर क्या होता है, 2i ऑफ रेडियस होता है, 2i ऑफ रेडियस मतलब 2i ऑफ 50, 25 कितना आ जाएगा, 50 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये क्या होगा आपके पास, x की पावर 4 प्लस में 1 बाई x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है, और आगे क्या है, x की पावर 4 माइनस 1 बाई x की पावर 4 आ जाएगी। तो ये तो आपका सेम रहेगा, यहां से फिर टूटेगा कितना हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस प्लस x की पावर 2 और x की पावर 2 माइनस 1 बाई x की पावर 2। तो ये दो चीज तो सेम रहेंगे आपके पास, दो ब्रैकेट, तो ये दो ब्रैकेट तो आपके पास सेम रहेंगे, और इसको फिर तोड़ दो, x प्लस 1 बाई x और x माइनस 1 बाई x। अब इसकी आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो x प्लस 1 बाई x कितनी है, 3√2 है, 3√2 है, ठीक है। तो इसका x माइनस 1 बाई x निकालो, x माइनस 1 बाई x करोगे तो इसका स्क्वेयर करके -4 कर दीजिए, तो इसका स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 9, 9 और 2, 9 2 18, 18 माइनस 4 14, तो √14 आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका √14 ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मदद से स्क्वेयर वाला निकालना है, स्क्वेयर वाला करोगे तो 3, ये तो हमें ये उल्टा साइन निकाला है, 3√2 का स्क्वेयर -2 कर दीजिए, प्लस का आ जाएगा, तो आप देखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 सॉरी 18 माइनस 2 16 आएगा, 16 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, ओके। तो 4, अब इसका भी क्या करना है, फोर्थ पावर में करना, तो 16 का स्क्वेयर -2 करिए, तो 256 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है आराम से बैठकर, ठीक है। तो एक काम देखिए, 2 यहाँ पर भी 2√7 है, 2 × 7 2 बाहर आ गया, तो 2 3 6 हो गया, 16 6 96, ठीक है। तो
7 आएगा, तो रूट 7 आएगा, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। अब देखो तो 6 16 की मल्टीप्लाई कराते हैं पहले भाई, 96 हो गया ना, तो लगभग ही आंसर है कि चेंज हो जाए, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। करते हैं टाइम वेस्ट, तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 16 चौक आपका 64, 16 5 80 और 16 2 32 40, तो 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, ये लो 8 यहाँ पर है, बाकी खुद को मल्टीप्लाई कंप्लीट करो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि ए बी सी ट्रायंगल डी ई बी सी पैरेलल है, डी जो पॉइंट है ए बी पर, ई जो पॉइंट है बी सी पर, ए सी पर, डी ई जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू इक्वल पार्ट, ओके डी एंड ए बी आर इक्वल टू। चलो बनाते हैं, एक बार देख लो ए बी सी और डी ई जो वो पैरेलल है किसके, बी सी के, बना दिया करेक्ट पॉइंट कर दिया। डी ई डिवाइड करता है किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में, ओके तो ये एरिया वन मान ले, इसको भी हम क्या मान ले, वन मान ले। अब आपसे पूछा है डी बी और ए बी, डी बी और ए बी का रिलेशन पूछा है, तो एरिया तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, एरिया तो होगा 1:2 होगा, ठीक है, ओके 1:2 होगा, ओके तो साइड कितनी हो जाएगी, एरिया या साइड कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो √1 और √2 हो जाएगा, तो सेकंड वाला तो √2 आएगा, ठीक है, सेकंड वाला √2 आएगा, तो ये तो दोनों कट हो जाएगा। अब ये देखो माइनस हो गया प्लस होगा, भाई ये माइनस होगा पूरे में से क्या होगा, इसको निकालेंगे तो माइनस ही होगा, तो माइनस आपको आंसर दे देगा, बाकी करेक्ट करने के लिए आप देख लीजिए √2 तो नीचे आया, ठीक है, √2 क्या हुआ, ये पूरी लेंथ है और √1 ये वाली लेंथ है अपनी, ठीक है, √1 जो होगी वो वाली लेंथ है, 1 ही मान लो, और ये निकाल ले तो √2 - 1 आ जाएगी ये वाली, ठीक है, ओके तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड का ध्यान रखना, डेसिमल का तो करो भाई, 7.8 और 4.6, 4 4 और 1 5 और 4 12, 12.4 आ गया, तो यहां से तो 0.1 आ गया, ठीक है, और 5 हो गया, और 3 - 5 आप करोगे तो 1.5 आ गया, यहां तक माइनस का वो भी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1.5 और 0.08 को अगर आप प्लस करोगे तो 8.51 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेनस ये है, बेस इतना है, थीटा क्या होगा, टेन थीटा आपने निकालना है, हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, तो ट्रिपलेट आपको फिर दिखाई दे जाएगा 3 4 5 का, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो 4 होगा, तो टेन थीटा आपसे पूछा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना 4, बेस कितना है 3, तो 4/3 आपका क्या दे देगा, करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ, मान लो लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की एल, ब्रेथ कितनी हो जाएगी एल माइनस 2 होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है, जो कि 68 के बराबर दे रखा है, 2 से कट करो 34 आ गया, 2L - 2 = 34, तो 2L 36 आ गया, L की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गया, अगर आप सोल्व अच्छे से करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, पाइप है किसी टंकी को 12 मिनट में फिल करती है, बी 18 मिनट में, सी खाली करती है 36 मिनट में, तो फाइंड ऑल द, और सभी को खोल दिया गया, तो कितनी देर में एम्प्टी टैंक को फिल कर देगा ये, चलो ए बी सी, ये सी माइनस क्योंकि निकाल 12 18 36,
एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 12 3 कितना होता है, 36। 18 2 36 होता है, 36 कम 36 36 होता है, ये तो माइनस होगा। ठीक है, तो 3 में से 2, 3 और 2 5, ओपन किया सभी को, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 4 एक मिनट में 4 फुल हो रहे हैं, 4 लीटर। ओके, तो 1 मिनट में 4 लीटर फुल हो रहा, तो 36 लीटर फुल करने के लिए क्या करेंगे, 36 बटे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, नो आंसर आपका दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वर्टिकल पोल है 28 मीटर हाइट का, 90.2 मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 52.5 हाइट। ठीक है, ये लो भाई कितना है, 80, और ये 19.2 शेडो बनाता है। ठीक है, ओके, और इसी टाइम क्या है, एक लेंथ अलग है 52.5, और ये शेडो बताने कितनी होगी, तो दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, राइट, सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, 28 बटे 52.5 इज इक्वल टू 19.2 बटे x मान लेते हैं, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकालिए, 8 16, 8 से सीधा चला गया, 0.8 आया। ठीक है, और 0.8 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 5 40, 8 2 16, 0.8 5 40, 1 मिनट भाई, दोबारा कैलकुलेशन करता हूँ, 28 बटे क्या है, 52.5, ओके, और इधर 19.2 डिवाइड बाय x, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, जल्दबाजी में मैं कर गया, शायद गलती कर गया, तो क्या करते हैं, 19.2 गुना 52.5 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा, 4 से कट करो, 7 से 7 से कट हो जाएगा, 7 2 14, ये 7 से कट हो जाएगा, 7 7 5 7 7 7 49, हाँ 7 से कट हो, 7.5 आ गया। ठीक है, 4 से कट करके देखो, 4 3 और 4 8, 75 की 3.8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा साधा 75 की, तो 4 5 20, 4 7 28, और 2 23, तो 30 के लगभग जाएगा, तो 30 तो ये भी दे रखा है, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, तो मैं क्या करता हूँ, 3.8 × 2.5 × 5 कर लेता हूँ, तो 25 8 200, और 25 75 75 और 20 95, डबल पॉइंट, सॉरी भाई ये 4.8 होगा, ज्यादा, तो 5 × 7 करके देखिए, 5 × 7 35 होता है, 35 से ऊपर ही जाएगा, 35 से ऊपर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि cos 41 और sin 49, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते थे, 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 41 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर cos 41 आया, तो cos 41 41 कैंसिल आउट, तो सेम आपको यहाँ पर sin 51 बना देना है, तो sin 51 से 51 कैंसिल आउट, तो +1 +1 कितना हो जाएगा, तो आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। बोला कि सीपी और एसपी ऑफ राइस सेम है, सीपी और एसपी क्या है, दोनों का रेस सेम है, तो फॉल्टी वेट मशीन करता है कि सेलर रिटर्न करता है 15%, ऐसे फॉल्टी वेट करता है कि 15% रिटर्न करता है, एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतने ग्राम राइस, मशीन इज चेंज सो दैट 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम यूज करता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं भाई, इसने बोला कि अगर 950 की जगह 1000 दिखा दे, तो मशीन चेंज करने के बाद तो सेम प्रॉफिट हमें चाहिए, और सेम प्रॉफिट अगर चाहिए तो क्या होगा, सेम प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब एसपी की एसपी बताना पड़ेगा ना ज्यादा, तो वही चीज आपको बोला, तो सक्सेसिव डिस्काउंट आप यहाँ पर लगा लीजिए, तो 950 और 1000 का रेशियो चेक करिए पहले, तो
कितना आया? 19:20 आया, ठीक है, 19:11 आया, 20 आया, ओके। तो एक्स तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा रेशियो चाहिए ताकि 15% प्रॉफिट कमाए, मतलब क्या कर दे, ये आपका 20 हो जाए और ये आपका 23 हो जाए, तो इसका मतलब एक्स और वाई हो जाएगा, मान लिया ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, राइट। और इधर जो सीपी होगा वो एक्स बटे वाई इज इक्वल टू, तो अगर आप एक्स बटे वाई निकालोगे तो आप क्या करोगे, 20 गुना 20 ऊपर करोगे, किससे, इस 20 की और इस 20 की मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 19 और 23 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 19 और 23 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो उतनी आ जाएगी। यहां से थोड़ा इम्पोर्ट लेंथी क्वेश्चन बनेगा लेकिन अच्छे से समझा आप, तो 19 गुना 23 एक्स डिवाइड बाई 400 हो जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 437/400 हो जाएगा एक्स, ओके तो 437/x हो जाएगा, राइट। बस आपको ये बताना नया एसपी, ये तो बताना तो नया एसपी बताना, तो वाई की वैल्यू निकालोगे तो 400 पे चला गया, 400 अगर आप कट करो, 4 × 4 = 0, 4 × 36, तो मतलब इतना लगभग मान लिया हमने, 1.09 आएगा और आगे भी भाई 1.09 आएगा, तो यहां से भी आगे भी दे रखा है तो 102, ठीक है, तो आप देखिए डेसिमल लगा देंगे 01.092 क्योंकि ये डेसिमल बाद का है, ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है क्यूबॉइड की इतनी है, ओके, लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या क्या क्यूबॉइड ने इंक्रीज कर दिया, 200%, 300% और 300%, ठीक है, तो कंपेयर द ओरिजिनल वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम आफ्टर द क्यूबॉइड। चलो भाई, लेंथ कितना 1, ब्रेथ कितना 2 और ये आपकी हाइट कितनी है 3, इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कितना आया, तो दोनों सभी की मल्टीप्लाई कराओ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नया वॉल्यूम हमें निकालना है, तो 200% इंक्रीज किया तो 200% कितना होता है, 1 का डबल और कर दो तो 3 आ जाएगा, और इसका 300% ऐड करना है तो 300% कितना हो जाएगा, आपको पता है 2 का 3 कितना होता है 6, 2 का 3 6 होता है, तो 6 को ऐड कर दीजिए, 2 में 2 8 आ जाएगा, इसका 300% 3 3 9 होता है, 3 3 9 और ऐड करिए 12 आ जाएगा, ठीक है। इनका वॉल्यूम चेक करिए, तो 12 3 8 24, 12 4 48, 12 2 9 कितना हो जाएगा, 12 2 9 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 288। बोला कि क्या बोला कि इंक्रीज द वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, तो इसका रेशियो निकालिए, आप रेशियो निकालिए तो ये 1:48 हो जाएगा, 6 से कट करोगे तो आप, तो कितना इंक्रीज हुआ, 47 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 47 टाइम्स आपको क्या जाएगा, कंप्लीट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बोट की स्पीड है जो स्टिल वाटर में 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, रिवर फ्लोइंग कर रही है, स्पीड डिस्टेंस ऑफ  15 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन आउट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम 9 आवर मोर देन टाइम टेकन टू द सेम डिस्टेंस डाउन आवर स्ट्रीम, ठीक है, मेन पॉइंट अपना ये। अब एक्स की वैल्यू 45 बोल दिया गया है क्योंकि एक्स हमने बोट की स्पीड मान ली और वाई की हम मान ली स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, ओके। और टाइम कैसे दे रखा, टाइम कंपेयर कर रखा इन्होंने, टाइम का कंपेयर क्या 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 कर रखा, अप स्ट्रीम जाने के लिए, अप स्ट्रीम जाता है तो डाउन स्ट्रीम के मुकाबले में 9 घंटे ज्यादा लेता है, तो 9 डाउन स्ट्रीम में क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम में क्या करेगा, दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगे तो 60 आ जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों स्पीड माइनस हो जाएगी 30 आ जाएगा, और ये कितना ले रहा है 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो 9 आपको रख दिए, आपको ये सोल्व करना है, डिस्टेंस आपने निकाल ली डी की वैल्यू, तो 60 LCM आया, तो डी माइनस कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू, यहां पर आप देखोगे तो इसको इन डिफरेंस मतलब प्लस में जाना चाहिए, तो आप ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 60 हो जाएगी, 9 गुना 60 कितना होता है 540, सीधा साधा आंसर दे दिया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीलर कॉस्ट प्राइस करता है इस तरह करता है ताकि सेलिंग 2000 में करता है, ठीक है। अच्छा, ए डीलर्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल 2000, वो इस तरह कॉस्ट प्राइस ले रहा है ताकि 2000 का एचपी हो। अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एमपी ही गेन 20%, मतलब 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हुआ, 20% फायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या निकालना है, मार्क प्राइस ऑफ फैन निकालना है। तो सीपी और एमपी का सीधा साधा रेशियो दिखाओ। सीपी और एमपी क्या कहता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, ये तो कहता है। तो सीपी कितना आपका पता नहीं, एमपी पता नहीं, ओके। बाकी देख लेते हैं, गेन 50% 20% देखो बाद में देखते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, राइट। तो सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, ओके। तो हमें क्या करना है, एमपी निकालना है। तो निकालिए एमपी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2, और ये आपका 3। तो सीपी की वैल्यू जो एसपी है, मतलब वो सेलिंग इस तरह कर रहा है जैसे उसका सीपी हो, तो 2000 है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 है। कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से। और इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3। 3000 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि कौन सा नंबर है जो 33 से डिवाइड हो, 33 से डिवाइड होने वाले 3 और 11 से भी डिवाइड होंगे। तो 3 से तो ऑलमोस्ट डिवाइड, 3 से ही देख लेते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 4, 3 डिवाइड होगा, 9 डिवाइड होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये नहीं होगा, 4 नहीं होता। 3 डिवाइड होगा और 5 5 10 और 8 18 ये डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड होगा, ये 18 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 6 डिवाइड 5 और 18 ये नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, दो में आपको क्या लगाना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम कर दो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो 3 और 5 8 8 8 16, ठीक है। 16 में से 5 प्लस 0 5, 16 में से 5 माइनस करो कितना है, 11। तो 11 ही आपका डिवाइड हो जाएगा। इधर देखो 3 और 5 कितना हो गया, 8, ठीक है। 8 में से आप क्या माइनस करोगे, -13, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। तो ओनली ये आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर 1। और देखते हैं, बोला कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट करंट ऑफ वाटर इतना दे रखा है, मोटर एक्स और वाई का रेशियो कितना दे रखा है, 3106 दे रखा है। तो मोटर बोट स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, कवर करती है किसी डिस्टेंस को अलोंग द करंट 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन ऑफ मोटर बोट टू कम बैक टू इनिशियल पॉइंट, देख लो भाई। बोला कि अलोंग द करंट, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करेगा, एक्स प्लस वाई करेगा, जो क्या कह रहा है, 4 घंटे 10 मिनट फालतू तो ले रहा। तो इसका मतलब 25/6 घंटे कंप्लीट हो गए। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको घंटा बनाया और सोल्व कर दिया इस फ्रैक्शन को, ठीक है। अब बोला कि डिस्टेंस कितनी आई यहां से, आप देखोगे अगर इन दोनों के रेशियो को प्लस कर दूंगा 37 आ जाएगा। तो 25/6 × 37 आप करोगे तो ये तो डिस्टेंस आ गई। अब बोला कि कम बैक आना, कम बैक कितना मिनट ले गई। तो कम बैक देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा d/x − y का, ओके। और कितना टाइम आ गया, तो आप देखो 25/6 × 37, तो आपको क्या है, डिस्टेंस है, और डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस 25 होता है, 25 से 25 कट करोगे तो 6 घंटे तो कंप्लीट है, और कितना हो गया, 1/6, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट बनाने के लिए, 6 से 10, 6 घंटे 10 मिनट आपका क्या देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30,000 जो होता है वो 38,400 हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 8% कितने साल में, ये आपसे पूछा है। तो आप देखोगे यहाँ पर अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, एस आई निकालोगे तो 8400 आपका एस आई आ जाएगा, ओके। और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 8%, तो 30,000 × 8% 8/100, और टाइम आपने निकालना है, डबल जीरो यहाँ से डबल जीरो कट करो, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कट करो, 3 से कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 एकम 3 2 6, 3 8 24, 8 से कट हो रहा, 8 एकम 8,
तो 8 3 24.5, 3.5 आपका क्या देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है भाई, ये कुछ कंडीशन दे रखी, तो ध्यान से समझना है इसको। क्या बोला है, विद ईच स्टूडेंट बीइंग ओनली वन डिपार्टमेंट टेबल आल्सो शो नंबर द स्टूडेंट इज फोर डिपार्टमेंट इन फाइव डिफरेंट कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे 20% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी मद्रास, बोला कि आईआईटी बॉम्बे में जो है ना आईआईटी मद्रास के मुकाबले 20% कम है। ठीक है, चलो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास कौन है, स्टूडेंट्स कम है, तो हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडी द अप्लाइड डिपार्टमेंट, अप्लाइड डिपार्टमेंट मतलब इन दोज टू कॉलेज, इन दोनों कॉलेज के अप्लाइड डिपार्टमेंट के करना है, एंड देट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो सिविल डिपार्टमेंट इन टू कॉलेज, सिविल डिपार्टमेंट मतलब इन दोनों का करना है, क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, चलो करते हैं सोल्व। तो आप देखोगे कि 2080 तो क्या है, टोटल है, मतलब टोटल आएंगे 2080 क्या होंगे, टोटल होंगे, तो 430, 830 और 350, 1180 हो गया, ये होगा ना 400, 400, 800, 300, 1100, 1180 हो गया, 1180 हो गया 2080 में से, कितने बचे, जीरो जीरो, ये तो बचे 900, ये तो बचे। अब 900 कुछ इस तरह बोला गया कि 20% कम है, मतलब 20% इसका फ्रैक्शन निकालो, तो 20% निकाल, 81% है और एक में क्या है 100% कंप्लीट है। तो आप देखोगे ऐसा किस कंडीशन में होता है, तो 20% मतलब कि आपका 5 से 4 हो गया, एक में क्या है मतलब टोटल कितने हैं 9 है, तो 9 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू 500 आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू 400 आ जाएगी, तो ऊपर वाले में 400 आ जाएगी और नीचे वाले में क्या आ जाएगी 500 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप थोड़ा सा इसका आगे, बोला कि इन दोनों अप्लाइड का और इसका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो निकाल लो डिफरेंस, तो परसेंटेज क्या गया ना, तो 4 गुना 32, ऊपर वाले में 4, ऊपर वाला 4 रेशो में और ये नीचे वाला 5, 4 गुना 32 प्लस 5 गुना 35, इसमें से आपने माइनस करना है किसको, 18, 4 गुना 18 प्लस 5 गुना 25, ये माइनस करना है और सॉल्व कराना है, तो 4 गुना 32 कितना हो गया, 4 गुना 32, 4 दुनिया 8, 4 3 12 प्लस 5 25, 5 15, 25, 5 15 हो गया, और 2 17 माइनस करो 72 और प्लस में 125, तो देखो मैं इस इनको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 103 आएगा, और इसको माइनस करूंगा तो प्लस का 3 आएगा, तो 106 आपका निकल के आया मेरा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, तो हमसे ये पूछा था, डिफरेंस पूछा था, 106 आपका आना चाहिए, तो देख लेते हैं, 106 दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन इसमें आप अगर आप प्रैक्टिस करो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे थे, तो उम्मीद, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।